उभरती हुई मॉडल और अदाकारा हानिया खान ने एक बार फिर दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेजबान आमिर लियाकत ने इनसे शादी की थी और अब स्कॉलर ने चौथी शादी की है। हानिया खान ने दावा किया कि आमिर लियाकत हुसैन ने इनसे भी शादी की थी। हानिया खान ने इब्तदाई तौर पर अप्रैल 2021 में दावा किया था कि आमिर लियाकत ने इनसे शादी की है और वो टीवी मेजबान के वॉइस क्लिप्स और तस्वीर भी सामने ले आई थी। हानिया खान ने उस वक्त भी दावा किया था कि आमिर लियाकत ने इन्हें बताया कि इन्होंने तुबा अनवर को तलाक दे दी है। मॉडल ने दावा किया था कि आमिर लियाकत ने इनसे शादी की मगर अब वो इन्हें अपनी बीवी नहीं मान रहे क्योंकि इनके पास निकाहनामा मौजूद नहीं। उस वक्त आमिर लियाकत ने हानिया खान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान किया था। मॉडल ने मेजबान को बताया कि आमिर लियाकत हमेशा से ही कम उम्र और ऐसी नौजवान लड़कियों की तलाश में रहे हैं जिनका ताल्लुक मुतवस घराने से हो। उनके मुताबिक आमिर लियाकत ऐसी लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर इनका कैरियर बनाने के वादे करके इनसे शादियाँ करते हैं। हानिया खान का कहना था कि ये सच भी है कि आमिर लियाकत की वजह से तुबा मशहूर भी हुई और इन्हें मौके भी मिले, पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। मॉडल ने ये भी कहा कि आमिर लियाकत का पहली बीवी बुशरा इकबाल के साथ रवैया भी दुरुस्त नहीं था। एक सवाल के जवाब में हानिया खान ने अपनी गलती तस्लीम की और कहा कि इन्हें मालूम था कि आमिर लियाकत का रवैया दूसरी खवातीन से दुरुस्त नहीं, उसके बावजूद इन्होंने इनसे शादी की।